मेरा पति मेरे चरित्र पे शंका करता था और ये पूरे लॉकडाउन में मेरे साथ यही चलता रहा। 2 महीने से वो मेरे साथ मारपीट कर रहा था। घर वालों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, मेरा अड़ोसी पड़ोसी से कोई कांटेक्ट नहीं। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मैं भाग भी नहीं सकती थी, मेरी ये कंडीशन थी। और ताला लगा के मुझे मारता था, मेरी सास बाहर चली जाती थी, ना मेरा देवर मुझे बचाता था, ना मेरे ससुर ने मेरी कभी मदद की। मतलब कभी घर वालों को एक कॉल तक नहीं किया, अगर वो एक कॉल कर देते तो मैं शायद यहाँ आ जाती। मेरा पति मुझे, जब मेरी 23 जुलाई को शादी की सालगिरह थी, मुझे रस्ते से बांधकर जंगल में ले जाने वाला था और बोले वहाँ तुझे पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। 22 तारीख के दिन उसने मुझे बहुत मारा और गुस्से में आकर मेरे भाइयों को कॉल किया कि देख तेरी बहन को मैं 2 महीने से मार रहा हूँ। वीडियो कॉल किया कि देख तेरी बहन को 2 महीने से मार रहा हूँ, तुम लोग क्या कर लोगे, तुमने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है और तुम जो दम लगा सकते हो दम लगा लो। तो इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्ड वीडियो जयपुर पहुंचाया, जयपुर से भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से शाहपुरा पहुंचाया और शाहपुरा की पुलिस 2 घंटे में मेरे घर आ गई। फिर पुलिस वाले मेरे घर आए, उसके बाद भी मैं पुलिस वालों को उनके कहने पर 2 घंटे तक, मतलब आधे 1 घंटे तक गुमराह करती रही कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तब पुलिस वाले परेशान हो गए मुझसे और वो कहने लगे अगर तेरे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे पास आगे से कॉल आ रहा है, तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है और तू बोल रही कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला तू लिख कर दे दे पेपर पर। तो मैंने सोचा अगर आज पुलिस चली गई तो मुझे कोई नहीं बचाएगा, मतलब मैं इस घर से मरी हुई ही निकलूँगी, क्योंकि मेरे पास न तो फ़ोन था, न हाथ पैर टूटे हुए थे, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं इस घर से बाहर निकल जाती। फिर उसके बाद जब मैं पेपर लेने के लिए घर के अंदर गई तो मेरे पति ने मुझे फिर धक्का दिया और बोला ऐसे करके मुझे गाली दी और बोला इन पुलिस वालों को भगा यहाँ से, ये क्यों नहीं गए अभी तक। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा अभी पुलिस चली जाएगी फिर तुम्हारा चेहरा चेंज हो, फिर तुम मेरे साथ वैसे ही मारपीट की करोगे। मेरे पूरे शरीर पर चिमटे चटा दिए मुझे, बेल्टों से, धोनों से, मोटे लकड़े से, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, चार्जर की डोरियों से मेरा गला ऐसा घोटा कि दोनों पैरों के बीच में मेरा गला फंसा लिया। मेरे कान और नाक में से खून आने के बाद भी उसने नहीं छोड़ा मुझे। मैं तड़पती रही, छटपटाती रही पर मुझे कोई नहीं बचाया। अभी क्या स्टेटस है, आपने कायमी करवा दी उसके खिलाफ में? हाँ कायमी करवा दी। कितने लोग थे साथ में? सास ससुर देवर और मेरा हस्बैंड, चारों। इन ये आके ने रिपोर्ट कराया है थाने पे, आके ने सूचना दी थी कि दिनांक 22 जून को इनके पति ने, जो उसको पहले से ही दहेज वहेज नहीं देने की बात पर उसके साथ प्रताड़ित करता था उसके ससुराल में, और उस दिन 22 तारीख को इसके पति ने मारा पीटी करी और उसका लाइव व्हाट्सएप के थ्रू उसके भाई को भी दिखाया था। तो उसके भाई ने जब ये घटना देखी तो बड़े वो होके तुरंत वो वन स्टॉप सेंटर पहुँचे। वन स्टॉप सेंटर रतलाम से वन स्टॉप सेंटर भीलवाड़ा पे संपर्क किया गया, जहां भीलवाड़ा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहां घर पहुंची। वहां पर घर से उसको रेस्क्यू किया गया, चूँकि उसके पति ताला नहीं खोला था तो कटर से द्वारा ताला काट के उनको निकाल के रेस्क्यू किया गया था। और फिर वो महिला को जब यहाँ पर आ गई वन स्टॉप सेंटर में, उसके स्टेटमेंट वगैरह भी हुए हैं। जो प्रकरण बनता था संज्ञेय अपराध है, तो जो वन स्टॉप सेंटर की जो अधीक्षिका है उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी और एक पत्र भी प्रेषित किया था, जिसके आधार पर हमने तुरंत उनका मामला महिला थाना में दर्ज किया गया है और जिसकी विवेचना माणक चौक के सब इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं।
नहीं, अभी अभी आरोपी राउंड अप नहीं हुआ है, हम टीम भेजेंगे उसमें और आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। मामला अजामती धारा का गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।